सब्सक्राइब करें हमारे चैनल कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन अब ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट को और इस बेल आइकन को टच करें ताकि आप पा सकें बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस ऑन टाइम और सबसे पहले। चलिए तो शुरू करते हैं। वेलकम बैक इन कैरियर वर्ल्ड एजुकेशन अब ऑनलाइन स्टडी सपोर्ट। मैं हूं राहुल कुमार, जो कि आप लोगों के लिए लाता हूं बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस और एग्जामिनेशन पेपर्स के सॉल्यूशन। अगर आप न्यू विजिटर हैं या हमेशा हमारे चैनल को विजिट करते हैं बट अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं राहुल कुमार इसी तरह से बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहूं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। और अगर आपको सब्जेक्टिव पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में आ सकते हैं। यहाँ पे मैंने फिजिक्स में जो पूछा गया है सेंटर एग्जामिनेशन का, उसका मैंने ऑब्जेक्टिव पेपर का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन किया है, फिजिक्स का बिल्कुल न्यूमेरिकल वगैरह सब सॉल्व करते हुए। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन की ओर। तो यहाँ हमारे पास आज 2 नवंबर को जो 12th के सेंटअप टेस्ट एग्जामिनेशन 2018-19 में जो क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स में, मैं उसके ऑब्जेक्टिव पेपर का फुल एनालिटिक सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ। चलिए तो आते हैं अपने इस वीडियो की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन, ये बिल्कुल केमिस्ट्री से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कल केमिस्ट्री का भी फर्स्ट क्वेश्चन यही था जिसका मैंने सॉल्यूशन किया। तो इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक है वो होता है फैराड पर मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कुलोमियेबल एक कैसा बल है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कुलोमियेबल को इलेक्ट्रिकल फोर्स और सेंट्रल फोर्स दोनों प्रकार के फोर्स कह सकते हैं आप। तो कुलोमियेबल ए और बी, यानी कि केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों प्रकार के बल है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक अस्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युतीय क्षेत्र, अगर यह गतिशील होता तो यह विद्युतीय और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता, लेकिन एक अस्थिर विद्युत आवेश केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी विद्युत आघूर्ण वाले एक वैद्युत ध्रुव ई वेक्टर तीव्रता वाले एक विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला टॉर्क होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूँ टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। अगर आप वेक्टर पढ़े होंगे तो जानते हैं कि पी ई साइन थीटा को अगर हम वेक्टर फॉर्म में डाल लेंगे तो उसका होगा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसको तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा पी ई साइन थीटा, जो कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, 10 माइक्रोफेराड धारिता वाले एक संधारित्र को 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो इस पे कितना आवेश होगा, तो फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बचा बी। तो क्यू हमसे पूछ रहा है तो क्यू का जो फॉर्मूला होगा वो होगा सी इंटू बी। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो ये पहुंच जाएगा 50 पे और हो जाएगा 50 × 10⁻⁶ माइक्रोन का। तो 50 का एक जीरो चला जाएगा उस पे 10 पे, तो हो जाएगा 5 × 10⁵ कूलम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बी नहीं सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पदार्थ का परावैद्युतांक नियतांक हमेशा अधिक होता है। देखिए मैं इसमें जो थोड़ा सा हल्का सा कंफ्यूजन क्या है कि वैसे तो परावैद्युत नियतांक एक से कम किसी का भी नहीं होता है, लेकिन इसमें दिया है हमेशा अधिक होता है। लेकिन अगर हम वैक्यूम का लें, अगर हम निर्वात का लें तो उसका एक के बराबर होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि लेकिन 0.5 कुछ बच्चे टिक करके आए हैं और उनका ये था अर्गू कि एक तो होता है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है किससे हमेशा अधिक होता है। तो देखिए यहाँ पे जो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी एक के बराबर या उससे अधिक, लेकिन सेंस यहाँ एक का ही निकल रहा है तो मैं ऑप्शन नंबर सी प्रीफर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है वो ड्रिफ्ट होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी अपसरित सी। पीटरस्टोन सेतु से आप किसी भी प्रकार के हाई रेजिस्टेंस या लो रेजिस्टेंस को माप सकते हैं, तो उच्च एवं निम्न किसी भी प्रकार का प्रतिरोध इससे मापा जा सकता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है तुम्हारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 टुकड़ों में बांटकर समांतर क्रम में जोड़ा गया, समांतर क्रम में जोड़ने पर बताएं कि कितना इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो इसका 1.1/16 होगा। मैं बता देना चाहता हूं कैसे, जैसे ही आप 1 ओम प्रतिरोध के समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में बांटेंगे तो उनका मतलब अनुप्रस्थ काट वही रह जाएगा, केवल उसकी लंबाई बदलेगी। इसकी वजह से इसका जो प्रतिरोध है वो एक टुकड़े का हो जाएगा 1/4। यहाँ पे देखिए
बनाया गया है 1/4 1/4, लेकिन ये कैलकुलेशन गलत किया गया है। 1/4 रेजिस्टेंस होगा इसका। न्यूमेरिकल का जो सॉल्यूशन है वो इस रूल से बनेगा, R इज इक्वल टू रो इन टू एल बटा ए। तो रो इन टू एल बटा ए का वैल्यू 1 ओम दिया हुआ है। अब एक पार्ट का मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ, इसको मैंने R डैस माना है। तो इस बार जो उसका जो A है यानी कि जो उसका अनुप्रस्थ काट है वो चेंज नहीं होगा। तो A का मैंने A लिख दिया, लेकिन इसका जो लेंथ है वो हो गया L बाई फोर। तो R डैस का वैल्यू हो गया 1/4 को अगर हम बाहर कर देते हैं तो रो इन टू एल बटा ए। यहाँ से रो इन टू एल बटा ए का जब वैल्यू डालेंगे 1 ओम, तो अब यानी कि इसका हो जाएगा 1/4 1/4 ओम। तो एक पार्ट का 1/4, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि फाइनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए 1/4 को मुझे पलटना होगा। तो पलटने के लिए क्या करना होगा, 1/4 पलट के हो जाएगा 4 4 4 4, तो जुट के 16। और जब हम इसको पलटेंगे तो 1/16 ओम मुझे देगा। तो यानी कि इसका एक्यूरेट जो आंसर बनना है वो इसका एक्यूरेट आंसर बनेगा 1/16 ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चुंबकशीलता की बीमा क्या है? तो चुंबकशीलता की जो बीमा है वो होगी ML T^-2 I^-2, ऑप्शन नंबर बी। अभी देखिए, मैंने थोड़ा देर पहले ही बताया था कि अगर कोई आवेश चलायमान है तो वो विद्युत और चुंबकीय दोनों प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ऑप्शन नंबर सी। जब एक ए मीटर को संट में जोड़ा जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ जाती है। स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक है वो हेनरी है, हेनरी ने ही रूल दिया था। तो स्वप्रेरकत्व का जो मात्रक है वो हेनरी होगा। नेक्स्ट, लेंस का जो नियम है वो धारा के संरक्षण सिद्धांत से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। फिर प्रत्यावर्ती धारा के RMS और पीक वैल्यू यानी शिखर मान के बीच क्या अनुपात होता है? तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 0.707। और जब हम इन सबों को सॉल्व करते हैं तो हमारा B ही जो वैल्यू है वो लगभग बराबर देता है 0.707। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कौन सा ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? यहाँ देखिए, डायनेमो और मोटर में लोग कंफ्यूज होते हैं। मोटर कन्वर्ट करता है विद्युत को यांत्रिक में और डायनेमो कन्वर्ट करता है यांत्रिक को विद्युत में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट वो चेक न्यूमेरिकल ये भी है। एक घरेलू परिपथ में आपूर्ति की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है तो धारा के सुनो नहीं, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में आ जाइए, मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, मैंने देखा नहीं है इसको। तो अब आइए 90 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक क्या है? ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक है न्यूटन पर एम्पियर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में आके 18 का आंसर मुझसे ले सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आए मैं 18 का आंसर दे दूंगा, ये बना नहीं है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 19 का न्यूटन पर एम्पियर मीटर। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की त्रिज्या समानुपाती होती है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसकी तीव्रता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल कोबाल्ट और आयरन ये तीनों लौह चुंबकीय होता है, तो निकेल भी लौह चुंबकीय है। एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एक्स किरणों का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो 0.01 से 10 नैनोमीटर का होता है। तो नैनोमीटर से के सबसे समीप एंगस्ट्रम है, तो मैंने इसमें ऑप्शन नंबर डी एंगस्ट्रम मारा है, क्योंकि जब आप 0.01 लेंगे तो वो नैनोमीटर से जाके मिलके एंगस्ट्रम ही बनाएगा, यानी 10^-10। तो ऑप्शन नंबर डी 22 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवा का बुलबुला पानी के अंदर प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से चमकता दिखाई देता है। ऑप्टिकल फाइबर से हम ट्रांसमिशन भी करते हैं, लाइन भी करते हैं और वेवगाइड दोनों करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। इसमें तो डायरेक्ट है कि संयोजन की क्षमता निकालने के लिए आप डायरेक्ट P1+P2 फॉर्मूला होता है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो -1.5D हमको मिल जाएगा। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की लंबाई F0+FE होती है, F0+FE समान संयोजन में। चलिए नेक्स्ट, तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक घटता है। तरंग दैर्ध्य अगर बढ़ेगी तो अपवर्तनांक घटेगा। पदार्थ के तरंग सिद्धांत को किसके द्वारा व्याख्या नहीं किया जा सकता? तो प्रकाश का विद्युत उत्सर्जन प्रकाश के तरंग सिद्धांत की व्याख्या नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें पार्टिकल की जरूरत होती है, तरंग की नहीं। एक पतले फिल्म के रंग का कारण व्यतिकरण होता है, ऑप्शन नंबर बी। ब्रूस्टर का नियम है μ=10 IP, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10^-19 जूल। तो ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटम सिद्धांत प्लांक ने दिया था, प्लांक का ही जाना जाता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। सूर्य की ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी। नॉरगेट,
देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और गेट का होता है ए प्लस बी और नॉर गेट का होता है ए टू दी पावर बार। तो जब और नॉट गेट का होता है ए टू दी पावर बार। तो जब और नॉट को मिला के नॉर बनाया जाता है तो इसका फाइनल बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी पर पावर बार, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल गेट कौन कौन है? तो मूल गेट है नॉट, सॉरी एंड और नॉट, तीन मूल गेट होते हैं एंड और नॉट। उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो आप लोगों के लिए कारगर हो। अगर किसी तरह की हल्की फल की गलती हो तो मुझे क्षमा करेंगे, हमारा उद्देश्य केवल स्टूडेंट की सहायता करना होता है। नेक्स्ट बायोलॉजी का वीडियो भी बहुत जल्द अपलोड किया जा रहा है, आप हमारे चैनल को विजिट करते रहें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।